Okay, now moving forward to the next question, exercise 4.4, question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. Okay, तो first condition हम लोग लिखेंगे पहले. Sum of ages is what? It is 20. Okay, sum of ages is 20. तो ये sum of ages दो friends का age है, उनका sum है 20. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे? Consider करेंगे. This is your first friend and this is your second friend. Okay. तो अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड का एज x लेता हूँ तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा? 20 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 20 है. ओके, अभी हम लोगों को क्या बोला है? 4 इयर्स एगो. तो इसको 4 इयर्स एगो करने के बाद क्या होगा? 4 साल पहले. आज अगर x है तो 4 साल पहले होगा x माइनस 4, और इसको भी आप 4 इयर्स एगो करोगे तो क्या होगा? आज का एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 इयर्स एगो इट विल बिकम 20 माइनस एक्स माइनस 4, विच इज इक्वल टू व्हाट? 16 माइनस एक्स आ जाएगा ये. ओके, 16 माइनस एक्स. तो अभी हमको ये 4 साल पहले का एज मिल गया. अभी हमको नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ their ages is what? It is given to us as 48. और product किसका? 4 साल बाद की जो age है दोनों friend की, उनका product. तो x minus 4 multiplied by 16 minus x which is equal to 48. अभी हम इसको solve करेंगे. तो solve करने के लिए first term into first term, फिर first term into second term करो आप. तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो माइनस 4 इंटू 16 इज व्हाट? माइनस 64, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 4x विच इज इक्वल टू 48. ओके, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे थोड़ा. माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x और 4x कितना होता है? प्लस 20x होता है. ओके, और ये माइनस 64 और ये माइनस 48, इधर आने के बाद माइनस 48 हो जाएगा. ओके, विच इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस ये कितना हो जाएगा फिर? 100 प्लस 12 112 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है. हम क्या करेंगे? ये माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर करना है, तो सारे टर्म्स हम आर एच एस में शिफ्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112. ओके, तो ये जो मिला है आपको, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये मिला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, फॉर्मूला मेथड लगाते हैं हम इसको. तो वो फॉर्मूला है आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए. ओके, तो यहाँ पे ये d क्या होता है? ये d होता है आपका b square माइनस 4ac होता है आपका d. तो हम पहले d का वैल्यू फाइंड करेंगे. क्यों d का वैल्यू फाइंड करेंगे? क्योंकि उस पे से हमको समझ में आएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमको रूट्स मिलने वाले हैं या नहीं. ओके, तो d इज इक्वल टू b square माइनस 4ac. ओके, विच इज इक्वल टू, अभी ये जो इक्वेशन है आपका, इसको आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ए का वैल्यू क्या मिलेगा? ए का वैल्यू मिलेगा 1, बी का वैल्यू मिलेगा माइनस 20 और सी का वैल्यू मिलेगा 112. तो ये सारे वैल्यूज अभी हमको यहाँ पे लगने वाले हैं.
तो अभी हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू डालेंगे -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू 112। ओके सो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस, अभी देखो ये 448 आएगा, ये 448, तो आपको क्या मिला है, -48 मिला है डी का वैल्यू। ओके सो यहाँ पे आप लिख लो डी का वैल्यू आपको -48 मिला है, और जब डी का वैल्यू माइनस में आता है तो हमको वो केस में रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, एज डी इज लेस देन 0 सो वी विल नॉट गेट रियल रूट्स। ओके हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सॉल्व किया था, तो यहाँ पे हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो नो, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एजेस। ओके इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एजेस, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा डी का वैल्यू नेगेटिव आया है, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता या फिर जीरो आता तो वो केस में ही हम रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी ये केस में ये नेगेटिव आ रहा है इस वजह से हम लोग इसका रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। सो आपका आंसर होगा नो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एजेस। ओके